साथियों नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, बायोकोडोन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एमएसएससी, एसआई और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोगों का टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, हमारी लास्ट 3 क्लास हो चुकी है, आज डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट क्लास है। और आज हम लोग बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम जो फूड को लेते हैं उस फूड का डाइजेशन कैसे कैसे होता है, बक्कल कैविटी से लेकर के और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड का डाइजेशन किस तरीके से होगा, कौन सी ग्लैंड्स उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उस ग्लैंड से कौन से एंजाइम सीक्रेशन होता है, कितनी पीएच पर काम करती हैं और कौन सा एंजाइम किस फूड मटेरियल का डाइजेशन करता है, इस बात के ऊपर साथियों आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, इस टॉपिक के ऊपर साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे। हम जब भोजन लेते हैं तो भोजन को सबसे पहले उसका अंतर्ग्रहण किया जाता है और भोजन कहां जाएगा, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर। तो सबसे पहले भोजन का जो पाचन होता है, फूड का जो डाइजेशन होता है, वो हमारी कहां पर होता है, बक्कल कैविटी के अंदर होता है, मुखगह के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मुख गुहा में पाचन, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है, ये हमको ध्यान रखना है। साथ ही ध्यान रखना है कि हमारी जो बक्कल कैविटी होती है, मुख गुहा होती है, इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं साथियों, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। इन सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा क्या निकलता है, सलाइवा निकलेगा, क्या निकलेगा साथियों, इनसे सलाइवा निकलता है। और इस सलाइवा के अंदर एक महत्वपूर्ण एंजाइम है, इस सलाइवा के अंदर एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन, या इसी का दूसरा नाम बोला जाता है सलाइवरी अमाइलेज। आपको ध्यान रखना है सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवा के अंदर एंजाइम का नाम होता है टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज। ये जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम की सबसे जो बेस्ट एक्टिविटी होती है वो होती है पीएच 6.8 पर। पीएच 6.8 पर ये जो एंजाइम है ये सबसे अच्छा काम करता है। हालांकि इसकी जो एक्टिविटी होती है, जो क्रियाशीलता होती है, वो पीएच 4 से लेकर के 9 तक होती है, 4 से लेकर के 9 तक होती है। जो हमारी पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल को किसने दिया था साथियों, सोरेनसन ने दिया था, पीएच स्केल को सोरेनसन ने दिया था। एक बार देखें पीएच स्केल में क्या होता है, एक से लेकर के और 14 तक वैल्यू इनके तो होती है। ये हमारी कौन सी स्केल है, पीएच स्केल है। इसमें जो 7 का पॉइंट है ये होता है हमारा उदासीन, न्यूट्रल होता है। यानी अगर किसी केमिकल का पीएच मान 7 है, इसका मतलब वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। अगर पीएच मान 7 से जैसे से कम होगा, उसकी जो एसिडिटी है, जो अम्लीयता है, अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ती है। जैसे से पीएच मान कम होता जाएगा, अम्लीयता बढ़ती जाएगी, एसिडिटी करेक्टर बढ़ता जाएगा। और जैसे से पीएच मान 7 से ऊपर जाएगा, उसका क्षारीयता, उसकी क्षारीयता, उसकी एल्कलिनिटी, उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्षारीयता बढ़ती है, एल्कलिनिटी बढ़ती है, और पीएच मान 7 से कम होने पर उसकी एसिडिटी यानी उसकी अम्लीयता बढ़ती है। इस बात के साथ ही हम लोग ध्यान रखेंगे। और जो हमारा टाइलिन है या सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, इसकी सबसे अच्छी एक्टिविटी कहां होती है, 6 और 7 के बीच में होती है, यानी पीएच 6.8 पर होती है। हालांकि इसकी रेंज कहां से है, 4 से लेकर के 9 तक के बीच में होती है। इतने पीएच पर भी यह एंजाइम काम करेगा, लेकिन सबसे अच्छा काम पीएच 6.8 पर करेगा। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम करता क्या है, ये फूड का डाइजेशन किस तरीके से करेगा, ध्यान से देखें साथियों। ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये हमारे फूड में जो स्टार्च है,
भोजन के अंदर जो स्टार्च है, ठीक है, कितना लगभग 30% स्टार्च को ये माल्टोज में चेंज करेगा। किसमें चेंज करेगा? माल्टोज में चेंज कर देता है। हमारा जो टैलिन एंजाइम होता है ये स्टार्च को किसमें चेंज कर देता है? माल्टोज में चेंज कर देता है। पहले इसमें डेस्ट्रिन बनेगा और देन इसके बाद क्या बनता है? इसमें माल्टोज बनता है, आइसोमाल्टोज। स्टार्च से पहले डेस्ट्रिन बनेगा, उसका माल्टोज बनेगा और आइसोमाल्टोज बनता है। माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज, ये इसके द्वारा बन जाता है। ये इसके द्वारा क्या होगा? बन जाएगा। ये जो डाइजेशन है ये कहां पर होता है? हमारी बक्कल कैविटी के अंदर होता है, मुख गुहा के अंदर होता है। बात हमारी कहां पर होगा? मुख गुहा के अंदर होता है। तो साथ ही ध्यान रखना है कि मुख गुहा में मुख्यतः स्टार्च का पाचन, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, मैं लिख देते हैं मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। साथियों ध्यान रखना है कि बक्कल कैविटी के अंदर ना ही तो फैट का कोई डाइजेशन होगा, फैट का कोई डाइजेशन नहीं होता है, और ना ही प्रोटीन का कोई डाइजेशन होगा। फैट और प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बक्कल कैविटी के अंदर नहीं होता है, केवल और केवल किसका डाइजेशन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में भी मेनली किसका? स्टार्च का होता है। 30% जो स्टार्च है वो माल्टोज में चेंज हो जाता है। तो साथियों तीसरी बात को याद रखेंगे, ये हमारी बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बक्कल कैविटी के ठीक बाद जो हमारा फूड होता है, भोजन जो होता है, ये कहां जाएगा? हमारे फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से होते हुए कहां जाएगा? हमारे ईसोफेगस के अंदर जाता है। और साथ ही ध्यान रखना है ईसोफेगस इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। सबसे पहले बक्कल कैविटी में गया, उसका उसको निगल लिया जाएगा, भोजन कहां जाएगा? फेरिंग्स से होते हुए हमारे ईसोफेगस में जाएगा। और साथियों ईसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार के फूड कंटेंट का, भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि हमारी ईसोफेगस के अंदर केवल म्यूकस ग्लैंड होती है जो कि फूड को आगे पहुंचाने में सहायता करेंगी, स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करती है। उसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं है, इसलिए ईसोफेगस के अंदर कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद साथियों हमारा जो फूड है वो कहां जाएगा? हमारे स्टमक के अंदर जाएगा, हमारे आमाशय के अंदर जाता है, और आमाशय के अंदर जाकर के भोजन का क्या होता है? पाचन होगा। आमाशय के अंदर जाकर के भोजन का पाचन होता है। आमाशय के अंदर कैसे होगा ध्यान से रखना है। आमाशय की दीवार में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां कहते हैं हम लोग? जठर ग्रंथियां। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। इन जठर ग्रंथियों के द्वारा मुख्यतः कौन सा रस निकलेगा? जठर रस का श्रावण होगा। जठर रस गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक जूस का क्या होगा? सीक्रेशन होगा। ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसका जो पीएच मान होता है वो पीएच वैल्यू जो होता है वो 2 तक जाता है, 1.5 से लेकर के 2.5 इतनी रेंज है उसकी। एक एवरेज जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है? 2 तक होती है। जो गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है? 2 तक होती है। क्लियर है? और ध्यान रखना है इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उनका क्या क्या काम है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर साथियों सबसे पहले हमको एक याद रखना है, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है। क्या होता है? इसके अंदर HCl होता है। ये HCl क्या करेगा ध्यान से सुने, ये जठर रस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय कर देता है। निष्क्रिय एंजाइम को क्या करेगा? ये सक्रिय कर देता है। ये किसका काम है? जठर रस का। दूसरा जो जठर रस का काम है, HCl का जो काम है, भोजन में उपस्थित
हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को क्या करेगा? नष्ट कर देता है। कौन? HCl। साथियों, इसके अलावा अपन को ध्यान रखना है, यह भोजन में उपस्थित कठोर पदार्थों जैसे बॉन्ड आदि के तोड़ने में सहायता करता है। ये सारे काम किसके साथियों? हमारे HCl के हैं। किसके काम है? HCl के काम है। इसके अलावा इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक दूसरा एंजाइम और होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजिन। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिनोजिन। ये निष्क्रिय एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? ये निष्क्रिय एंजाइम है। जो HCl होता है वो इसको क्या करेगा? सक्रिय कर देगा और क्या बना देगा? पेप्सिन। क्या बनाएगा? पेप्सिन बनाएगा। ये कैसा एंजाइम है? सक्रिय। ध्यान रखना है आपको कि जो पेप्सिनोजिन होता है एक निष्क्रिय एंजाइम है, HCl जो होता है वो उसको सक्रिय करेगा और किस में बदल देगा? पेप्सिन के अंदर। अभी जो पेप्सिन है ये क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और पेप्टिन पेप्सिन के अंदर चेंज कर देता है। बासवे मार्ग यानी जो पेप्सिनोजिन है वो HCl के द्वारा एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर थी इसी बात? और जो पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। कैसे करेगा? ध्यान से समझे, ये हमारी जो प्रोटीन है ये पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड प्लस पेप्टोन के अंदर चेंज कर देगा। पॉलीपेप्टाइड प्लस पेप्टोन के अंदर क्या कर देता है? चेंज कर देता है। या पॉलीपेप्टाइड ना लिखें तो अपन प्रोटीजेसिस भी बोल सकते हैं। प्रोटीजेस प्लस पेप्टोन में क्या करेगा? चेंज करेगा। ये किसके द्वारा पाचन है अपना? ये पाचन होता है अपना पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। दूसरा जो है वो है अपना प्रोरेनिन। कौन सा है? प्रोरेनिन। ये कैसा एंजाइम है? ये एक निष्क्रिय एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? निष्क्रिय एंजाइम है। HCl साथी उसको सक्रिय करेगा और ये किसमें चेंज हो जाएगा? रेनिन में। और जो रेनिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है ये क्या करता है? जो मिल्क प्रोटीन है केसीन। कौन सी प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन जो होती है इसका नाम क्या होता है? केसीन होता है। ये केसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में क्या करेगा? चेंज करेगा। केसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में क्या करेगा? चेंज करेगा। ये केसीन क्या है? मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन केसीन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है और किस में बदल देगा? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। केसीन प्रोटीन मिल्क प्रोटीन है, इसे कैल्शियम पैरा कैसिनेट में क्या करेगा? चेंज करेगा। इसके अलावा साथियों एक और याद रखना है अपन को, इसका नाम है लाइपेज। पूरा नाम लिखते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ना, ये जो लाइपेज एंजाइम है, ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है? ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। फैट को किस में चेंज करेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। ये जो डाइजेशन है, ये डाइजेशन हमारा कहां पर होता है? हमारे स्टमक के अंदर। साथ ही एक बार फिर से देखें, हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस निकलेगा जिसका पीएच मान लगभग 2 तक होता है। इसके अंदर एक तो HCl होता है जो निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करेगा, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है और भोजन में उपस्थित कठोर पदार्थों को जैसे बॉन्ड आदि को तोड़ने में क्या करेगा? हेल्प करता है। पेप्सिनोजिन ये HCl के द्वारा सक्रिय होगा और किसमें चेंज हो जाएगा? पेप्सिन में। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और प्रोटीजेस प्लस पेप्टोन में चेंज करेगा। याद कैसे कहेंगे? पेप्सिन प्रोटीन पीपी को तोड़ेगा। पी किसको तोड़ेगा? पी को तोड़ेगा।
जो प्रो रेनिन है एससील के द्वारा एक्टिव होगा, रेनिन में चेंज होगा, ये क्या करेगा मिल्की की जो केसीन प्रोटीन है उसे कैल्शियम पैरा कैसेट में क्या करेगा चेंज कर देगा। जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये लाइपेज क्या करेगा फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करेगा चेंज कर देगा। तो साथियों ये हमारे स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन है। अब स्टमक के बाद जो हमारा फूड होता है वो कहां जाएगा हमारे जेजुनम और इलियम के अंदर, ड्यूडिनम जेजुनम और इलियम के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है वो अपन को चर्चा करनी है। तो साथियों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। साथियों हम लिखेंगे छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है ध्यान रखना है। छोटी आंत में सबसे पहले हमारा ड्यूडिनम आता है, सबसे पहले कौन आएगा ड्यूडिनम। अब ड्यूडिनम के अंदर हमारी दो ग्लैंड खुलती हैं, एक तो पैंक्रियास और दूसरा कौन खुलेगा लिवर। ड्यूडिनम के अंदर जैसे साथियों देखें ध्यान से ये अपना स्टमक है, यहां से ड्यूडिनम स्टार्ट हो गई, ड्यूडिनम जेजुनम और इलियम, यहां अपना लिवर होता है, ये अपना गॉल ब्लैडर है, साथी ये अपना कौन है लिवर, ये गॉल ब्लैडर और ये अपना कौन है पैनक्रियाज, ये अपना कौन है पैनक्रियाज है। साथियों स्टमक के बाद फूड कहां पर आएगा ड्यूडिनम के अंदर, और ड्यूडिनम के अंदर एक स्पेशल ग्लैंड होती है इसका नाम आप लोग जानते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये जो लिवर है लिवर के द्वारा अपना कौन सा जूस निकलेगा बाइल जूस, ठीक है ये बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, लिवर के द्वारा बाइल जूस को फॉर्मेशन होगा और ये बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, और ये बाइल जूस जो है ये फूड के डाइजेशन में क्या करेगा हेल्प करेगा। ध्यान रखना है सबसे पहले बात किसकी करेंगे अपन ड्यूडिनम की, ड्यूडिनम के अंदर जो डाइजेशन होगा वो दो तरीके से होगा, एक तो बाइल जूस के द्वारा और इधर जो पैंक्रियास है पैंक्रियास से कौन सा जूस निकलेगा पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा और लिवर के द्वारा कौन सा जूस निकलेगा बाइल जूस। तो ड्यूडिनम में सबसे पहले अपना बाइल जूस आएगा, बाइल जूस होता है जिसे हम लोग पित्त रस कहते हैं, क्या कहेंगे साथी इसे हम लोग पित्त रस कहते हैं। ये बाइल जूस भी कैसा रस होता है एक क्षारीय रस होता है, कैसा रस होता है क्षारीय रस होता है। क्लियर तीसरी बात ये बाइल जूस क्या करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है वसा का पायसीकरण, वसा का क्या करेगा ये पायसीकरण करता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा जिससे कि ये जो फैट है ये आसानी से क्या होती है एब्जॉर्ब हो जाती है अवशोषित हो जाती है, ठीक है बात समझ में आ रही है। इस बाइल जूस के अंदर, इस बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम, इस बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी ये बाइल जूस क्या करेगा फैट के डाइजेशन में या फैट के इमल्सिफिकेशन में क्या करेगा हेल्प करेगा जिससे कि वो जो फैट है वो मिसेल्स के फॉर्म में, मिसेल्स के फॉर्म में आसानी से क्या हो जाती है एब्जॉर्ब हो जाती है। ये काम किसका है अपने बाइल जूस का, किसका काम है ये बाइल जूस का काम है बात से मारिए। दूसरा पा पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास से हमारा जो पैंक्रियास है पैंक्रियास से कौन सा जूस निकलेगा पैंक्रियास से अपना निकलेगा पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा
और पेंक्रियाटिक जूस का जो पीएच मान होता है वो लगभग लगभग 8.8 तक जाता है। इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कहां तक जाती है, 8.8 तक जाती है। हालांकि रेंज होती है 7.5 से लेकर के 8.5-9 तक, लेकिन फिर भी अपन एक लेके चलते हैं इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 8.8 तक होती है। और इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर कई एंजाइम होते हैं जो कि फूड का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। और ये पूरा डाइजेशन होगा कहां पर, हमारे ड्यूडेनम के अंदर। कहां पर होगा, पूरा डाइजेशन हमारे ड्यूडेनम के अंदर होता है। ये डाइजेशन किस तरीके से होता है, पेंक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीजें होती है, ध्यान से सुने साथियों। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन है। इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम क्या, ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये ट्रिप्सिनोजेन के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलेगा, ट्रिप्सिनोजेन के रूप में, और एक्टिवेट होकर क्या बनेगा, ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, साथ ही हम लोगों को ध्यान रखना है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कैसे करता है, ध्यान से देखें। ये ट्रिप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और प्रोटीजिस प्लस पेप्टोन को बनाता है। किसको बनाएगा साथियों, प्रोटीजिस प्लस पेप्टोन को बनाता है। क्लियर है तीसरी बात। दूसरा ध्यान से देखें, इसमें एक एंजाइम होता है, इसका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। एंजाइम का काम एक बार याद कर लो, बार बार हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अमाइलेज एंजाइम कहीं भी आ जाए उसका एक ही काम है, स्टार्च को माइक्रोज में चेंज करना। तो यहां भी जो अमाइलेज है उसका काम एक ही है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज इसका काम होता है जो स्टार्च है उस स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना। स्टार्च को किस में चेंज करना, माल्टोज में चेंज करना। ठीक है, बात समझ में आ रही साथियों, इस बात को हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। तीसरा जो एंजाइम है वो हमारा है पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज, और जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है, मैं लिख देता हूं, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है ये हमारे फैट को, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज करेगा। फैट को किस में चेंज करता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज करता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो डाइजेशन है, ये डाइजेशन किसके द्वारा होगा, मेनली पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर हमको मेनली ये वाले एग्जांपल याद रखने हैं, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज। इन एग्जाम को हम लोग मेनली क्या रखेंगे, याद रखेंगे साथियों। अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुअम और इलियम की। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप लोगों को रिवाइज करने में कोई तकलीफ ना हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों अपन जेजुनम इलियम की बात करें, जेजुनम और इलियम की बात करें तो वहां पर हमारी क्रिप्स ऑफ लिबर्किन होती है, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है हमारी जेजुनम और इलियम। जेजुनम एंड इलियम, जेजुनम इलियम के अंदर फूड के डाइजेशन के लिए विशेष ग्लैंड होती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। और इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा जो जूस निकलता है उसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, आंत्रीय रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, आंत्रीय रस कहते हैं। जिसका जो पीएच मान होता है वो पीएच वैल्यू कितनी होती है, लगभग 8.2 तक होती है। पीएच वैल्यू कितनी होती है इसकी, 8.2 तक होती है। बात समझ रही आपको। इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कई एंजाइम होते हैं जो कि फूड का क्या करवाते हैं, डाइजेशन करवाएंगे। इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एक होता है
इंटेस्टाइनल अमाइलेज कौन सा होता है? इंटेस्टाइनल अमाइलेज होता है। ये अमाइलेज क्या करेगा? जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। स्टार्च को किसमें चेंज करेगा? माल्टोज में चेंज करेगा। अब इसके अलावा दूसरा इसके अंदर जो एंजाइम आता है वो है माल्टेज, और ये माल्टेज क्या करेगा? ये माल्टेज एंजाइम जो फूड के अंदर माल्टोज है, माल्टेज एंजाइम क्या करता है? फूड के अंदर जो माल्टोज होता है उसको ग्लूकोज में चेंज करेगा। किसमें चेंज करेगा? इसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। किसमें चेंज करेगा? ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तीसरा इसके अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम है सुक्रेस। कौन सा एंजाइम है? सुक्रेज है। ये सुक्रेज क्या करता है? फूड के अंदर जो शुगर है, फूड के अंदर क्या होती है? जो शुगर होती है उस शुगर को ये क्या करेगा? यह लैक्टेज है, सुक्रेज है। तो सुक्रेज जो एंजाइम है ये किसको? सुक्रोज को किसमें चेंज करेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज करेगा। किसमें चेंज करेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज करेगा। इसके अलावा सुक्रेज के अलावा एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है अपना कौन सा? लैक्टेज। ये लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज करेगा, और ये माल्टोज को किसमें करेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज करेगा। तो साथियों तीसरी बात याद रखेंगे, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है इसके अंदर एक को होता है इंटेस्टाइनल अमाइलेज जो कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा, एक होता है माल्टेज जो कि माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज करेगा, एक हमारा सुक्रेज होता है जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज करेगा, एक होता है लैक्टेज जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज करेगा। इतनी सी बात को साथ में हम लोग याद रखेंगे। ये जो एंजाइम है ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ बेसिक एंजाइम और होते हैं जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर नहीं पूछे आते हैं, आपके एमपीपीएससी यूपीएससी इसके अलावा जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सही प्रकार के एग्जाम के लिए आपको जो एग्जाम बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान से सुने, अच्छे से पढ़ें। और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फूड का डाइजेशन मेनली नहीं होता है, डाइजेस्टिव फूड में जो वाटर और मिनरल्स है केवल उसका एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी का फूड का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ना ही फूड का कोई डाइजेशन होता है। ठीक है साथियों, तो अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।